सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सुखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स, जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। ये बयान एक यूट्यूबर था उसको दिया गया था, लेकिन ये बयान आज का नहीं था। आज से लगभग एक महीने पहले जो है ये पूरा का पूरा स्पीच, एक पूरा इंटरव्यू जो है उस यूट्यूब चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बीच में कुछ शब्द ऐसे काम में लिए जिससे एक कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। आखिरकार वो शब्द क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि वाकई में इस्कॉन की स्थापना कैसे हुई है और कैसे एक व्यक्ति 40 रुपए लेकर न्यूयॉर्क पहुंचता है और वहां पर जाकर हरे रामा हरे कृष्णा करता है और पूरे विश्व के अंदर आज उसने इन शब्दों को पहुंचा दिया है। दोनों के इतिहास के बारे में बात करेंगे हम लोग, इस्कॉन के इतिहास को भी देखेंगे और मेनका गांधी के इतिहास के बारे में भी देखेंगे, और वाकई में अपने कॉन्क्लूजन पर आएंगे कि आखिरकार कॉन्ट्रोवर्सी की जड़ क्या है। एक छोटी सी इमेज मैं जो है आप लोगों को दिखाऊंगा टाइगर श्रॉफ की, अगर आप लोग पहले से अंदाजा लगा सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ आगे। मेनका गांधी ने रिसेंटली जो है वो एक बयान दिया था और ये कहा था कि बेसिकली काऊ जो है ना, गायें उनको बेचा जाता है जहां पर भी इस्कॉन के ये जितने भी मंदिर वगैरह हैं उनके अंदर जो गाय रखी जाती हैं, क्योंकि टोटली जितने भी ये संत होते हैं वो गायों के दूध के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा, यानी कि कह तो एक महीने पहले दिया था लेकिन अब जो है ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल ये बन चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिरकार बात क्या है। देखिए आज की स्टोरी के अंदर हमारे पास में दो कैरेक्टर हैं, एक तो है मेनका गांधी और एक है इस्कॉन। दोनों के पक्ष हम लोग जानेंगे और पक्ष जानने के बाद में आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आखिरकार सही कौन है गलत कौन है। दोनों के जो स्टेटमेंट हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी से जुड़ी हुई एक नेता है जो कि कभी लाइमलाइट में रहती नहीं है, बहुत तड़प सी होती है कि जब यार कोई पूछता नहीं है, है ना। और एक इस्कॉन है जो कि हरे रामा हरे कृष्णा करके भगवत गीता की किताबें जो है 50 रुपए में बांट कर जो है वो अपना गुजर बसर करता है। तो दोनों की कहानी जो है आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेनका गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। मेनका गांधी ने कहा है कि बिगेस्ट चीट इन कंट्री, यानी कि भारत के अंदर इस देश के अंदर सबसे बड़ा चीट हो रहा है, और वो चीट ये है कि जितनी भी गायें हैं उनको बेचा जा रहा है, जो गोशालाज है किसकी, इस्कॉन की, और वो बेच कहां पर रहे हैं, जो भी बूचर्स हैं वहां पर, यानी कि कैसे कसाई खाना जो होता है, कसाई खाना वहां पर इन गायों को बेचा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली देयर आर नो ड्राई काउ, यानी कि जो ड्राई काउ है जो दूध नहीं देती हैं उनको जो है वो बेच दिया जाता है, यहां तक कि जितने भी बैल वगैरह हैं उनको भी बेच देते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जब मैं वहां पर गई विजिट के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के अंदर, तो उस इस्कॉन के अंदर एक भी जो है वो बछड़ा नहीं था, सभी गाय ऐसी थी जो दूध देने वाली थी। तो मैंने पूछा भी उनसे कि भाई वो गाय कहाँ पे गई जो दूध नहीं देती हैं, और भी बछड़े वगैरह कहाँ गए। तो ये इन्होंने पूरी कहानी जो है वो उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर कवर की थी। और इस्कॉन ने जो है इस चीज को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है अपने एलिगेशन को कि ये कोई जो है निराधार है, ऐसा हमने जो है कुछ भी नहीं किया, ऐसा करते हुए नहीं है। जो इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स जो है यानी कि ट्विटर पर इस चीज को शेयर किया, जिनका नाम है युधिष्ठर गोविंद दास जो है, इन्होंने इस चीज को शेयर किया और ये कहा कि रेस्पॉन्स टू द अनसब्सटेंड एंड फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि मेनका गांधी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है ये पूरी की तरीके से गलत है। इस्कॉन जो है वो बेसिकली गायों के लिए, बुल्स के लिए प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, और पूरे यानी कि भारत में ही नहीं ग्लोबली जो है वो इस चीज को आगे बढ़ाता है, और हम लोग जो है वो गाय जो है ना उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए हम जो है उनको बूचड़ खाने के अंदर जो कसाई खाना होता है वहां पर नहीं बेचते हैं। इन्होंने पूरी तरीके से इस चीज को डिनाई कर दिया। हम लोग कंक्लूजन पर आए उससे पहले ये लेटर जो है वो इस्कॉन की तरफ से मेनका गांधी को लिखा गया कि यानी कि उस वीडियो के रेस्पॉन्ड में ये कहा गया कि हमने जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, आप जो है आकर चेक कर सकते हैं, तमाम बातें जो है इसके अंदर लिखी गई है, ये सब कुछ गलत है कि हम लोग जो है ना ऐसे गाय को बेच देते हैं, ये सब कुछ गलत है, हम लोग बेसिकली उनका प्रोटेक्शन करते हैं, जब इंजर्ड हो जाती है इनको रेस्क्यू करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो इसके अंदर लिखी गई है। तो एक लेटर हेड के ऊपर इस चीज को जो है वो लिख दिया गया था। चलिए हम लोग लेक्चर में आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री को देख लेते हैं कि आखिरकार इतिहास क्या कहता है इस्कॉन के बारे में।
इस्कॉन की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन हम लोग इसको कहते हैं, जिसको फाउंड किया गया था 13 जुलाई 1966 को, आज से लगभग 57 वर्ष पहले। आप लोग यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसको फाउंड किया गया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के अंदर वेस्ट बंगाल में इसको फाउंड किया जा चुका था, और फिर वहां पर यानी कि न्यूयॉर्क में इसको और फैलाने के लिए स्वामी प्रभुपाद जो है वो पहुंचते हैं। इसके बाद में भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जो है उनके द्वारा न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और यहां पर आप लोग पाएंगे, देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस्कॉन के जो डिवोटीज होते हैं वे फॉलो ए डिसिप्लिन लाइन ऑफ गौड़ीय वैष्णव। तो गौड़ीय वैष्णव आप लोग ये कह सकते हैं कि जैसे वैष्णव हम लोग कहते हैं कि पूरी तरीके से वेजिटेरियन हिंदू धर्म को मानने वाले, और गौड़ीय जो है वो बेसिकली उसकी एक ब्रांच होती है। तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर जो है वो पिछले 500 सालों से इसको फैलाते हुए वहां पर आ रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार वहां पर कर रहे हैं। गौड़ीय वैष्णविज्म जो है इसको फाउंड किया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो बेसिकली फाउंडर जो है वो यही है चैतन्य महाप्रभु, और इनके ही जो नक्शे कदम है इस पर स्वामी प्रभुपाद चलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर जो है इसको फैलाना शुरू किया, और इसके बाद में भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जो है वो इसके अंदर बिलीव करते हैं, इनके नक्शे कदम पर चलते हैं, और ये सोचते हैं कि मुझे जो है वो ग्लोबली इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसलिए 70 साल की उम्र में जो है 70 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क पहुंचते हैं 1965 में, और केवल उनके पास में 40 रुपए होते हैं, महज और महज 40 रुपए होते हैं 70 साल की उम्र में वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि बुजुर्ग काफी हो जाते हैं, पैसा इतनी पास इनके पास इतना होता नहीं है, वहां पर फ्लाइट वगैरह लेकर जाते हैं, जैसे जैसे जाते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं उससे जाते हैं, और पैसा इनके पास काफी खर्च हो जाता है, महज 40 रुपए जो है वो इनके पास में बचते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि जो इंसान अपने किसी भी रिलीजियस को और उसका प्रचार करने के लिए न्यूयॉर्क तक पहुंच सकता है 40 रुपए लेकर, तो वो बहुत कुछ जो है वो दमखम रखता है। स्वामी प्रभुपाद जो है वो बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर इसके फाउंडर माने जाते हैं, लेकिन आखिरकार इस इस्कॉन के सक्सेस होने के टेक्निक्स क्या हैं? सबसे पहला है कि इन्होंने वुमेन्स को जो है वो जगह दी है। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इनके इस ग्रुप के साथ में जुड़ी हुई हैं, इस्कॉन के ग्रुप के साथ में, और वहां पर बहुत अच्छी खासी इनको तवज्जो जो है वो दी जाती है। साथ में ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसेज जो है वो बनाए जाते हैं, और 1998 के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसेज जो है वो इंडिया के अंदर भी एस्टेब्लिश किया गया था, और बहुत सारे अभी भी काम करते हैं। साथ में ही कीर्तन एंड म्यूजिकल इन्फ्लुएंस, क्योंकि भाई अंग्रेज है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको जो है म्यूजिक वगैरह चलाएंगे वो थिरकने लगेगा, और ऐसा म्यूजिक जो कि कभी खत्म ही ना हो, हरे रामा हरे कृष्णा, वो जिंदगी भर जो है वो नाचता चलेगा, इसीलिए म्यूजिक से उसको इन्फ्लुएंस करने की जो है वो ताकत रखता है। और साथ में ही वेजिटेरियन है, पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, और मेनली कॉन्ट्रोवर्सी यहीं पर क्रिएट हुई क्योंकि ये गाय के दूध पर जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं। इसीलिए मेनका गांधी, देखिए मेनका गांधी का पहले हम लोग एक बार जो है उसकी भी हिस्ट्री देखेंगे, सब्सिडरीज देखिए यहाँ पर, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, जिसे आप लोग भक्त जो है देखते हैं कि बहुत सारी किताबें जो है इनकी 50 रुपए में, 60 रुपए में, 100 रुपए में, बहुत सारी किताबें जो है आपको देखने को मिल जाती हैं, वो इसी बुक ट्रस्ट के द्वारा रिलीज होती हैं। साथ में काउ प्रोटेक्शन, यानी कि आप लोग देख सकते हैं इस्कॉन काउ प्रोटेक्शन के लिए जो है पूरी की पूरी एक रिंग बनी हुई है। तो ये सोचकर भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार एक इतनी बड़ी संस्था जो कि ग्लोबली काम कर रही है वो छोटे से अपने स्वार्थ के लिए ये काम करेगी क्या, थोड़ा मानने में आता नहीं है। इस्कॉन ट्राइबल केयर ट्रस्ट जो है वो भी चलाते हैं, साथ में पांडवा सेना, पांडवा सेना मतलब जितनी भी इनकी जो प्रचारक हैं जो खाना खिलाते हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी पांडव सेना के अंदर जो है वो काम करते हैं। चलिए ये तो हुई इस्कॉन की बात, लेकिन अब हम लोग करेंगे मेनका गांधी की बात। मेनका गांधी जो है वो वाइफ है किसकी, संजय गांधी की, और संजय गांधी की डेथ जो है वो 1980 के अंदर हो जाती है। उसके बाद में इन्होंने बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी इसको ज्वाइन भी किया था। मेनका गांधी का जन्म 26 अगस्त 1956 को होता है न्यू दिल्ली के अंदर। इनके जो बच्चे हैं चिल्ड्रन है वो है वरुण गांधी, ये भी कोई खासा लाइमलाइट में रहते नहीं है। देखिए मेनका गांधी को अभी वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट था ये भी इनके पास में था, लेकिन इस्कॉन का कहना ये है और बहुत सारे पॉलिटिकल जितने भी थिंकर्स हैं उनका कहना ये है कि मेनका गांधी बहुत लंबे समय से जो है वो एक डेड आर्टिकल की तरह काम कर रही थी, कोई भी लाइमलाइट इनके पास में नहीं थी। तो हो सकता है कि अपने ही अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए कि लोगों की नजर में आए, कोई मेरी बात तो करे, कई बार ये भी तो होता है कि कोई मेरी बात तो करे, इसलिए हो सकता है कि मेनका गांधी ने ये स्टेप जो है उठाया हो, ऐसा लोग जो है थिंकर्स वो कह रहे हैं। ये इनकी पूरी हिस्ट्री है। आप लोग देखेंगे कि पीलीभीत जो राजीव गांधी का जहां से निर्वाचन क्षेत्र था वहीं से जो है ये बार बार जो है वो जीत कर आती है। राजीव गांधी ने इलेक्शन जो है अमेठी से भी लड़ा था, पीलीभीत से भी लड़ा था,
और पीलीभीत से जो है इन्होंने कई बार जो है इलेक्शन लड़ा है। इसके साथ में इन्होंने पार्टी भी कई बार चेंज की है, जनता दल पार्टी है, इंडिपेंडेंस कैंडिडेट जो है वो भी रह चुकी है, फिर भारतीय जनता पार्टी जो है इसको भी इन्होंने ज्वाइन किया है, और 2019 से अब तक जो है वो क्या है लोकसभा की मेंबर है सुल्तानपुर सीट से। तो सुल्तानपुर जो सीट है वहां से बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो जीतकर एमपी के तौर पर अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बनी हुई है। अब हम लोग कंक्लूजन पर आते हैं। ये जो पूरा का पूरा डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली इस्कॉन के अंदर जितने भी काउ शेल्टर्स होते हैं जहां पर गायों को रखा जाता है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो बनाए गए हैं। जैसे आप लोग इसमें एंटर करेंगे तो बहुत सारे जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बांधने के लिए ये सब जो है वो गायों को बछड़ों को बैलों को बांधने के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी तैयार कर रखा है। जब उनको बेचना ही था कसाईयों को तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की क्या जरूरत थी। ये 20 एकड़ के अंदर आनंदपुर आंध्र प्रदेश के अंदर फैला हुआ पूरा का पूरा जो है वो काउ शेल्टर है जहां पर बहुत सारे जो गाय हैं बछड़े हैं वो वहां पर रहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि एक बार जब गायों के लिए चारा वहां पर डलवाते हैं तो महज और महज 8 दिन के अंदर पूरा का पूरा चारा जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर क्या रहते हैं वो काउ यानी कि बहुत सारी गायें बछड़े बैल वगैरह सब यहाँ पर रहते हैं। लेकिन कंक्लूजन पाए उसके लिए एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए है ना, ये वाला है ना, ठीक है आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए समझ चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सीधे तौर पर यह है कि ये संस्था जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है लेकिन दोनों के अपने अपने जो है कंसर्न है। ये इंटरव्यू जो है वो मेनका गांधी पर थोड़ा सा भारी पड़ा है लेकिन कई बार होता है कि पॉलिटिकली लाइमलाइट में आने के लिए कई बार स्टंट जो है वो करने भी पड़ते हैं। आप लोग हमारे यूपीएससी कोड के साथ में जुड़ सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा विजय, जिससे आप लोगों को 50% फ्लैट और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। लाइव आंसर राइटिंग कोर्स जो है उसके साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आंसर राइटिंग में इंटरेस्टेड है मेंस के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस है, पीसीएस एग्जाम्स के लिए है, वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।